हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑफिशियल आरोस डे। गाइस आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है पर मैं आप लोगों से मिले बिना रुक नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि जिसमें मैं टेस्टिंग ना करूं पर मैं आप लोग को कुछ बता पाऊं अपने बारे में। तो मैंने सोचा बहुत सोचा और मैं इस डिसीजन में पहुँचा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना लग्जरी कलेक्शन। तो ये है मेरा लग्जरी कलेक्शन। दिस वॉज अ सीरीज दैट जॉनी वॉकर हैड ब्रॉट आउट एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लू लेबल घोस्ट एंड रेयर। अब ये घोस्ट एंड रेयर क्या चीज है? घोस्ट विस्कीज वो होती हैं जो डिस्टिलरीज बंद हो चुकी हैं इन द पास्ट, मगर उसका स्टॉक अभी भी किसी ना किसी डिस्टिलरी में है एंड वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है क्योंकि ऑफकोर्स डिस्टिलरी बंद हो चुकी है। वी डोंट हैव एनी अदर सोर्स फॉर द विस्की टू बी मेड अगेन, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड अ घोस्ट विस्की। और रेयर तो आप जानते ही हैं कि बहुत रेयर विस्कीज होती हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं वेरी इजीली, दोज आर कॉल्ड रेयर विस्कीज। तो इसका नाम घोस्ट इन रेयर इसलिए पड़ा क्योंकि दिस इज मेड विद अ ब्लेंड ऑफ घोस्ट एंड रेयर विस्कीज। काफ़ी रेयर और लिमिटेड रिलीज थी ये बॉटल्स। अभी तक 3 बॉटल्स आई थी इस सीरीज में और मेरे पास 3 हैं। अनफॉर्चुनेटली तीनों एक ही साइज की नहीं है मेरे पास, 2 750 ml की हैं और 1 1 liter की है क्योंकि मैंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठी करी हैं। बट येस मेरे पास तीनों हैं अवेलेबल। एंड माइंड यू वन थिंग कि ये लिमिटेड रिलीज है, स्पेशल एडिशन है विद नंबर्ड बॉटल्स। यस, तो बॉटल्स के ऊपर नंबर्स भी हैं। यस, चले मैं आपको दिखाता हूँ अपना कलेक्शन। This is the first bottle from Ghost and Rare series. This revolves around Brora whiskey, which was again a ghost whiskey, and it is made of 8 whiskies. It is a blended whiskey which is made up of a blend of 8 whiskies, out of which 3 are ghost whiskies and 5 are rare whiskies. Out of which Brora is the malt whiskey and other 2 whiskies which are ghost whiskies are grain whiskies. तो मैं आपको एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी और अमेजिंग सी बॉटल है इसकी। So this is the Brora Ghost and Rare. चलिए मैं आपको अपनी दूसरी दिखाता हूँ। ये है पोर्ट एलन। पोर्ट एलन और ब्रोरा जो है वो बहुत ही फेमस विस्कीज थी अपने ज़माने में, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड रेनाउंड विस्कीज थी अपने ज़माने की। तो दिस इज अगेन मेड अप ऑफ 8 विस्कीज, आउट ऑफ विच 3 आर घोस्ट विस्कीज एंड 5 आर रेयर विस्कीज। द मॉल्ट विस्की इन द घोस्ट विस्कीज इज पोर्ट एलन एंड अदर 2 आर द ग्रेन विस्कीज। चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी सी बॉटल है इसकी भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपनी थर्ड बॉटल लास्ट। ये है ग्लेन उरी रॉयल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है थर्ड इन द सीरीज घोस्ट एंड रेयर ग्लेन उरी रॉयल। जी, ग्लेन उरी रॉयल वॉज वन ऑफ द डिस्टिलरीज बैक इन द डे जिनको रॉयल वारंट मिला हुआ था कि जो रॉयल फैमिली है उसको विस्कीज ये प्रोवाइड करवाएंगे, तो दैट्स वाई दे हैव रॉयल इन फ्रंट ऑफ दे हैव रॉयल इंक्लूडेड इन देयर। So that is why it is called Glen Urie Royal. Of course, again, it is made up of 8 whiskies, out of which 3 are ghost whiskies, and 1 which is the ghost whiskey, malt whiskey, is Glen Urie Royal, and other 2 are the grain whiskies, and other 5 whiskies which are rare whiskies. So, इसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी बॉटल है इसकी भी।
So these are my luxury collection Ghost and Rare Blue Label Johnny Walker bottles. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लू लेबल जॉनी वॉकर जो है रिव्यू करूं, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। जिस दिन मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच गया, उस दिन मैं जॉनी वॉकर ब्लू लेबल को रिव्यू करूँगा। ऑन दैट नोट, drink responsibly and do not drink and drive, and as we say in aficionados den, stay classy and cheers.